आप सभी ने ट्रेन में सफर किया ही होगा और इस दौरान कई बार घंटों घंटों तक स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का इंतजार किया होगा। कभी ट्रेन लेट हो जाती है या कुछ यात्री स्टेशन से दूर क्षेत्रों से होने की वजह से जल्दी स्टेशन पर आ जाते हैं और अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा लगता है कि काश रुकने को बेहतर व्यवस्था मिल जाए, क्योंकि परिवार साथ हो तो बच्चे और बुजुर्गों की सेहत के लिए भी सही सुविधा होना जरूरी होता है। खास तौर पर जब मौसम बेरहम हो जाए, तेज गर्मी, तेज ठंड या तेज बरसात के समय में रेलवे स्टेशन में अगर रहने की अच्छी व्यवस्था मिल जाए तो सफर का मजा ही क्या। भारतीय रेलवे हर दिन नई तरक्की कर रहा है। वो अपने सभी क्षेत्रों में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नित नए प्रयास कर रहा है। इसी सिलसिले में यात्रियों को रुकने के लिए रेलवे स्टेशन पर रिटायरिंग रूम की व्यवस्था की गई है, जो पहले तो कुछ सरकारी दफ्तरों की तरह दिखते थे लेकिन आज वो लग्जरी होटल की तरह बना दिए गए हैं। आज की पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने लिए बुक करा सकते हैं होटल जैसे ये कमरे। रेलवे प्लेटफॉर्म पर वेटिंग के दौरान यात्रियों के लॉजिंग के उद्देश्य से बनाए गए कमरों को रिटायरिंग रूम कहा जाता है। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि रिटायरिंग रूम लगभग हर बड़े रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध हैं। इनमें रुकने की यही कंडीशन होती है कि आपकी जर्नी डेट से 12 घंटे पहले या अगले 12 से 24 घंटे तक ही आप इन कमरों को रुकने के लिए ले सकते हैं। जितनी देर के लिए हम बुक करते हैं उतने घंटों का ही चार्ज हमको पे करना होता है। ये कमरे सारी आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस होते हैं, जिनमें एसी, आधुनिक बाथरूम, गर्म पानी के लिए गीजर और आरामदेह गद्दे के साथ साथ साफ सुथरे चादर व तकिए भी प्रोवाइड किए जाते हैं। रिटायरिंग रूम बुक करने के लिए सबसे पहले आपके पास रेलवे की कंफर्म टिकट होना जरूरी है। आपको सिर्फ दो ही स्टेशन्स पर रिटायरिंग रूम बुक करने का अधिकार होगा, पहला जहां से आप सफर शुरू कर रहे हैं और दूसरा जहां पर आप सफर खत्म कर रहे हैं। इंडियन रेलवे की वेबसाइट www.rr.irctcourism.com के अंतर्गत आपको बुक रिटायरिंग रूम का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन होगा उसमें PNR नंबर डालकर आपको सेलेक्ट करना होता है। अपना स्टेशन एवं रूम की उपलब्धता होने पर यहीं पर आप उसे बुक कर पेमेंट भी कर सकते हैं। रिटायरिंग रूम बुक करते समय रेलवे टिकट का स्टेटस कंफर्म होना चाहिए या कम से कम RAC होना जरूरी है। जनरल टिकट वेटिंग टिकट की स्थिति में ये रूम बुक करने का ऑप्शन नहीं मिलता। बुकिंग के दौरान आपको AC रूम या नॉन AC रूम दोनों चूज करने का ऑप्शन मिलता है, जिन्हें आप अलग अलग घंटों के स्लॉट के हिसाब से बुक कर सकते हैं, जैसे 3 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे या 24 घंटे। आप कितने घंटे के लिए लेंगे पैसा उसी पर निर्भर करता है। रिटायरिंग रूम भरे होने की परिस्थिति में आपको बुकिंग का भी वेटिंग नंबर प्रोवाइड किया जाता है, जो रूम के खाली होने पर आपको ऑटोमेटिक अलॉट कर दिया जाता है। रिटायरिंग रूम बुक करने के लिए यात्री की सबसे पहली योग्यता इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितनी लंबी दूरी के लिए सफर कर रहा है। नियमानुसार आपकी यात्रा कम से कम 500 किलोमीटर या उससे ज्यादा की होनी चाहिए, तभी रिटायरिंग रूम बुक करने का ऑप्शन आपकी PNR नंबर डालने के बाद एक्टिवेट होगा। बुकिंग के दौरान आपका कोई भी एक नेशनल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि की जरूरत पड़ती है। इनकी कॉपी और एक ओरिजिनल कॉपी हमेशा अपने साथ रखें। ये रूम प्रति व्यक्ति के हिसाब से चार्ज किया जाता है। कुल मिलाकर रेलवे ने अपने यात्रियों के सफर को सुहाना बनाने के लिए ये ऑफर दिया है।